हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओपन टेक टीवी। दोस्तों, अगर आप लोग कोई न्यू स्मार्टफोन लेने का सोचते हैं और बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से स्मार्टफोन में कैमरा अच्छा है, कौन से स्मार्टफोन में प्रोसेसर अच्छा है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन कंपेयर करने में बेस्ट वे बताऊँगा जिसमें आप अच्छा स्मार्टफोन पिकअप कर पाएँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं। अगर आप लोग कोई भी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है वेबसाइट gsmarena.com। दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी और फेमस वेबसाइट है। इसमें आपको सारे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट खुल गई है। दोस्तों, यहाँ पे सारे स्मार्टफोन की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होती रहती है। कुछ भी स्मार्टफोन की कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट डिवाइस भी दिख जाएंगे, जैसे ऑनर, LG, लिनोवो, रियलमी, शाओमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, सभी डिवाइस दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप स्टोर्स के डिवाइस भी दिख जाएंगे जो ऑफलाइन स्टोर्स पे मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सारे मॉडल्स दिख जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों सारे ब्रांड्स के मॉडल भी अवेलेबल, जैसे सैमसंग, एप्पल, हुआवे, नोकिया, सोनी, LG, HTC। दोस्तों, यहाँ पे सारे ब्रांड्स के आपको कोई भी स्मार्टफोन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सैमसंग पे क्लिक करते हैं तो सैमसंग के भी यहाँ पे सारे मॉडल्स दिख जाएंगे आपको, जैसे सैमसंग M31 प्राइम अभी लेटेस्ट फ़ोन आया है, सैमसंग गैलेक्सी F41 भी अभी लेटेस्ट फ़ोन आया है। यहाँ पे टैब्स और सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन यहाँ पे देख सकते हैं आप, सैमसंग S20 FE अभी लॉन्च हुआ है ये। उसमें यहाँ पे सारे फ़ोन मिल जाएंगे। जैसे कि आपको कोई फ़ोन की अगर स्पेसिफिकेशन देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैमसंग F41 पे अपन क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जैसे आप अगर ये फ़ोन लेने का सोचते हैं तो यहाँ पे आपको सारी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा 6000 mAh की बैटरी है। और दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको और स्पेसिफिकेशन दिखेगी, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्च डेट लिखी हुई है, बॉडी की स्पेसिफिकेशन लिखी है, वेट लिखा हुआ है और यहाँ पे डिस्प्ले भी लिखा हुआ है दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साइज़ लिखा है डिस्प्ले का, 6.4 इंच का डिस्प्ले है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा है, मतलब प्रोसेसर। यहाँ पे OS लिखा है दोस्तों, 1 UI पे चलता है। यहाँ पे चिपसेट लिखा है एक्सिनोस का 9611। CPU लिखा है दोस्तों, ऑक्टा कोर CPU पे है ये। मेमोरी लिखी है दोस्तों यहाँ पे, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे कैमरा भी लिखा है दोस्तों, जैसे 64 MP का मेन कैमरा। यहाँ पे सेल्फी कैमरा लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारी स्पेसिफिकेशन, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि इस फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या फीचर है। अगर दोस्तों अगर आप इसके कंपेरिजन में कोई दूसरा स्मार्टफोन को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दो स्मार्टफोन में आप कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन पिक करें, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको सर्च करना है जो भी स्मार्टफोन आप कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे इसके ही कंपटीटर रेडमी का नोट 9 प्रो को अपन कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है इन दोनों में। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है नाम, और यहाँ पे आपको सर्च में दिख जाएंगे मॉडल। तो यहाँ पे जैसे इंडियन वेरिएंट को अपन सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों दोनों फ़ोन का कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, चेंज लुक्स दोनों कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस दोनों की, और यहाँ पे दोस्तों टोटली फुली कंपैरिजन खुल जाएगा दोस्तों। जैसे कि लॉन्च डेट देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 8 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और ये मार्च को लॉन्च होता है। यहाँ पे बॉडी साइज़ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेट देख सकते हैं दोनों का, कि यहाँ पे 204 ग्राम का रेडमी नोट 9 प्रो, यहाँ पे 119 ग्राम का सैमसंग है। और यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी भी कंपेयरिंग में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुपर एमोलेड का पैनल मिल जाता है सैमसंग में, यहाँ पे IPS LCD मिल जाती है दोस्तों। तो डिस्प्ले के क्वालिटी में यहाँ पे सैमसंग आगे है। और यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन साइज़ भी दिख जाएगा, जैसे 6.4 इंच का सैमसंग में है और 6.6 इंच का रेडमी नोट 9 प्रो में है। प्राइज़ में थोड़ा रेडमी नोट 9 प्रो इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप प्रोसेसर को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चिपसेट सैमसंग में एक्सिनोस का 9611 है, जो कि 10 नैनोमीटर पे। ये नैनोमीटर दोस्तों जितना कम होता है उतना ही इफ़िशेंट आपका प्रोसेसर होता है।
और यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में Snapdragon का 620G मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर पे। तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे Note 9 Pro का प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पे दोस्तों मेमोरी की बात करें जो कि इंटरनल स्टोरेज होती है तो दोनों में आपको सेम ही मिल रही है 64 में। और दोस्तों यहाँ पे कैमरे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है सैमसंग में, और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है नोट 9 प्रो में। तो यहाँ कैमरे के मामले में सैमसंग आगे निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 3 कैमरे मिलते हैं सैमसंग में, बट रेडमी नोट 9 प्रो में 4 कैमरे मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की मिल जाती है सैमसंग में, और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की मिल जाती है नोट 9 प्रो में। तो कैमरा के मामले में दोस्तों फिर सैमसंग आगे निकल जाता है। और अदर्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो आपको इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाता है नोट 9 प्रो में, बट यहाँ पे सैमसंग में नहीं मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं दोनों में, एक में रियर माउंटेड है और एक में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 6000 mAh की मिल जाती है सैमसंग में, और यहाँ पे 5000 mAh की मिल जाती है नोट 9 प्रो में। तो यहाँ बैटरी के मामले में सैमसंग निकल जाता है, बट दोस्तों चार्जिंग के मामले में आपने नोट 9 प्रो आगे निकल जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको कोई भी स्मार्टफोन अगर पिक करना चाहते हैं और अगर कोई भी स्मार्टफोन में आपको कन्फ्यूजन रहता है और कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक फीचर और है, जैसे यहाँ पे फुल और डिफरेंस में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस में क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके फ़ोन में सिमिलर चीज़ें होगी उसको वो हाइड कर देगा, और जो भी डिफरेंस होगा तो उसको वो हाईलाइट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डुअल सिम में कोई डिफरेंस है तो उसको हाइड कर दिया। जैसे यहाँ डिस्प्ले में देखिए दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड 10 दोनों में तो उसको हाइड कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे 64 का दोनों में और कैमरे में फ़र्क है, तो बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड और डेप्थ कैमरे दोस्तों देखेंगे सेम है, तो यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन से फ़ोन में क्या डिफरेंस है और कौन से फ़ोन में क्या अलग है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए आप फिंगरप्रिंट है तो उसको नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बैटरी में डिफरेंस है तो यहाँ पे बैटरी को हाईलाइट नहीं कर रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आप इजी वे में कोई भी अगर दो स्मार्टफोन को कंपेयर करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन के लुक्स देखना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स में जाके इनकी फ़ोटोज़ भी और लुक्स भी आराम से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं लुक्स, इसके कलर कॉम्बिनेशन है तो आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा कलर बेस्ट लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बेस्ट फीचर की बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी फ़ोन को अगर सर्च करते हैं, जैसे मैं अभी लेटेस्ट फ़ोन आया आईफोन 12 प्रो इसको सर्च करता हूँ दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर्स पे जाऊँगा अगर, तो यहाँ पे पिक्चर्स पे जाने के बाद इसकी भी सारी फ़ोटोज़ दोस्तों लुक्स अगर दिख जाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक 3D मॉडल का फीचर मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 सेकंड बाद स्मार्टफोन शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी स्मार्टफोन को 3D व्यू में देख सकते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन कैसा लगता है साइड व्यू। जैसे यहाँ पे मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि मैं पूरा फ़ोन को 360 डिग्री में रोटेट कर पा रहा हूँ और इसके टॉप एंड बॉटम व्यूज़ भी आराम से देख पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है दोस्तों इस वेबसाइट का। तो ये वेबसाइट दोस्तों आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आप कोई भी स्मार्टफोन पिकअप करना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट वेबसाइट रहेगी। तो यही था वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं बहुत ही जल्द स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर और कैमरा के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।